हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक नया डिज़ाइन केक बनाएंगे फिर से, जो कि आज हम बनाएंगे होम केक यानी कि घर केक बनाएंगे। और इसका कैसे क्या चीज़ बनाते हैं वो पूरा वीडियो में आप लोग को दिखाएँ और बताएंगे भी, तो वीडियो पर लास्ट तक देखें। और ये वाला केक ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 1 kg का है, 1 kg में बना सकते हैं आराम से। ऊपर भी हमें कुछ रखना पड़ेगा, वो भी अब इसमें शुगर सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये वेनिला स्पंज है जो कि हम लोग बेकरी में खुद से बनाते हैं, प्रीमिक्स वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादातर तो वैसे बेकरी में ये वाला खुद से एग वाला ही रहता है, एगलेस वाला थोड़ा बहुत रहता है, वो कि अलग से बना के रखते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हो ये पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाऊंगा, आप लोग को जो इच्छा आप बना सकते हो अपने हिसाब से फ्लेवर, अंदर तो कुछ भी चलेगा, डिज़ाइन ऊपर मैटर करता है। तो ये लेयरिंग हो गया, ठीक है। अब इसका साइड से कटिंग कर देंगे, क्योंकि हम लोग ओवन में बनाते हैं स्पंज, तो साइड से थोड़ा आप लोग देख सकते हो ब्लैक भी हो जाता है और थोड़ा टाइट रहता है, इसलिए साइड से काट देने से अंदर का फिर पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। अब इसका हमें रास्ता बनाना है ऊपर घर में जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं लेयर लगाने के बाद ही कट कीजिए, अगर आप लोग भी पहले स्पंज कट करोगे तो अच्छा लगे, अच्छा रहेगा नहीं। तो आप लोग देख सकते हो साइड से बस थोड़ा सा कट किया हूँ लास्ट तक, ताकि एक जैसे क्या चढ़ने जैसा कैसा रहता वैसा ही। मैं इसका पतला क्रम कट कर लिया था पहले से ही। अब इसको मैं इसका मैं बटर पेपर से आइसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो आइसिंग नाइफ से होगा नहीं। हाँ, कौन से क्या, आपको जितना जहाँ पे क्रीम चाहिए बराबर आएगा, इसलिए आप लोग अगर चाहे तो आइसिंग नाइफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैं अच्छे से पूरा क्रीम कवर कर लूँगा। ये ऑरेंज रेड में है ये वाला कलर जो मैं बना रहा हूँ अभी। इसके ऊपर हमें छोटा सा घर रखना है, वो भी पूरा डिज़ाइन कैसे करेंगे वो भी इसी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे हम, तो पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप लोग भी ऐसे आइसिंग करते हो तो क्रीम आप लोग का स्मूथ रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं। अगर मीडियम में रहेगा तो एक नंबर आइसिंग होगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो क्रीम है कितना स्मूथ और कितना फिनिशिंग में रहता है। और एक एक जन का मैं देखता हूँ, बहुत सारे फोटोज़ मेरे को इंस्टा पे देखने के लिए मिलता है, आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइट और इस क्रीम का फिनिशिंग का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो क्रीम आप लोग का टाइट रहता है इसीलिए। तो चलिए ये मेरा लगभग फिनिशिंग हो चुका है। अब साइड का थोड़ा हल्के हाथ से, पूरा टेढ़ा मेढ़ा केक है तो इसलिए आराम से आप लोग को आइसिंग करना होगा धीरे धीरे करके। ये मेरा हो चुका है कंप्लीट पूरा। अब साइड का कुछ डिज़ाइन है इसका, वो भी कर देता हूँ, जैसे ईटा जैसा कैसा रहता है वो सेम डिज़ाइन इसमें देना है, वो भी रेड कलर का। ये पूरा रेड कलर है, इसमें ऑरेंज कलर नहीं ऐड किया हूँ। तो इसके लिए कुछ चाहिए, पूरा सिर्फ लाइनिंग, अपना स्पेस देख लीजिए कितना बड़ा छोटा रखना है, पूरा लाइनिंग केक में कर दीजिए और बीच बीच से कट कर दीजिए बस। एक बार लाइनिंग यहाँ से दिया तो ऊपर नीचे आगे पीछे करके बस ये ऑटोमेटिक फिर ईटा के जैसा दिखने लगेगा। आप लोग देख सकते हो एक लाइन पीछे दिया, फिर उससे थोड़ा आगे, और फिर नीचे वाला वो थोड़ा उससे आगे, फिर ऊपर किए तो वो थोड़ा सा आगे, बस आप लोग देख सकते हो, देखने से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये भी जो लाइनिंग में किया, क्रीम पूरा स्मूथ है मेरा, ठीक है। क्रीम में आप थोड़ा सा जेल यूज़ कर लीजिए, आप लोग का भी क्रीम पूरा स्मूथ हो जाएगा, फटेगा नहीं और फिनिशिंग में दिखेगा भी। तो ये साइड का हो गया, बीच में यहाँ कटिंग्स बचा था वहाँ पे भी सेम ऐसे ही डिजाइन कर दे रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा हो चुका है, बस थोड़ा सा बच गया। तो इसके ऊपर हमें घर रखना था, आप देख सकते हो होम जो मैं बना करके रखा था पहले, नॉर्मल स्पंज का है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस सूखा स्पंज, सिर्फ स्क्वायर लेकर के एक साइड से दूसरे साइड से कट कर दीजिए, इसका ऑटोमेटिक शेप घर के जैसा हो जाएगा, बस बाकी डिज़ाइन कर दीजिए सेम हो जाएगा। और मैं सेम जो क्रीम से आइसिंग किया हूँ उसी से इसमें भी क्रीम का यूज़ कर रहा हूँ इसको कवर करने के लिए। आप चाहो तो दूसरा कलर भी रख सकते हो, दूसरा कलर रखने से और भी अच्छा लगेगा। मेरे पास एक फ़ोटो आया हुआ था जो कि सेम मेरे को करना था, सेम कलर में था, नहीं अगर मैं खुद से बनाता तो ये दूसरा कलर में डालता घर के, दूसरा कलर और भी अच्छा लगता, लेकिन हमारे पास ऑर्डर था तो जो जैसा ऑर्डर रहता है, जो फ़ोटो दिया जाता है हम लोग को करना पड़ता है, और जो बनाते होंगे उनको पता भी होगा, जो भी मिल जाता है बनाने को सेम बना करके देना पड़ता है, कुछ उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसको जो साइड से है ये हल्के हाथ से, ताकि नीचे आपका ज़्यादा टच ना हो, ठीक है, और उस हिसाब से अच्छे से फिनिशिंग करना होगा। और इसमें थोड़ा गर्म पानी का यूज़ कर लीजिए, आइसिंग नाइफ है उसको गर्म पानी में डिप करके फिर फिनिशिंग कीजिए तो अच्छे से हो जाएगा, क्रीम में ज़्यादा चिपकेगा नहीं आपका जो आइसिंग नाइफ है।
ये डोम पट्टी जो कि फोटो सीट के नीचे से आता है उसको मैं ये कट करके बनाया हूँ। इसी से ज़्यादातर हम लोग का केक फिनिशिंग होता है, तो आप लोग भी चाहो तो ऐसा यूज कर सकते हो अगर केक फिनिशिंग करना चाहते हो तो। तो ये मेरा हो चुका है, अब चलिए इसका मैं डिज़ाइन कर देता हूँ ऊपर का, जो ऐसा कुछ ब्राउन वगैरह डिज़ाइन का। आप अलग कुछ भी दे सकते हैं, मेरे को ऐसा था तो मैं दे दिया। आप नोजल से भी कर सकते हो, जो बास्केट नोजल रहता है उसमें से भी डिज़ाइन दे सकते हो सेम, वो और भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया, ब्राउन कलर का क्रीम था। अब चलिए इसका खिड़की दरवाज़ा जो भी बनाएंगे सब कुछ, तो एक ऊपर पहले डिज़ाइन दे देते हैं, एक खिड़की समझ लीजिए छोटा सा। अब बीच में जो हमें दरवाज़ा लगाना है येलो कलर का डालेंगे। इसका साइड साइड से बॉर्डर भी लगाना था वो भी लगा दे रहा हूँ, हल्का पतला कोन कट करके इसी से डाल रहा हूँ। इसमें नोजल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं है। और ये मैं जो लगाया येलो कलर का, ये हमारा फंडेंट का हम कट करके रख लिए थे पहले से। आप चाहो तो क्रीम से भी लगा सकते हो अगर फंडेंट नहीं है तो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रीम से भी ऐसे ही छोटे छोटे डॉट डॉट नोजल मार सकते हो, वो भी देखने में सेम दरवाजे जैसा ही लगेगा। ये मेरा सिंगल डोर वाला दरवाज़ा है, आप लोग डबल भी लगा सकते हो। अब इसका साइड साइड से खिड़की दे देंगे छोटा छोटा सा। तो ये आप लोग देख सकते हो छोटा सा दोनों साइड से खिड़की हो गया। अब इसमें डॉट डॉट का डॉट लगा दीजिए, थोड़ा सा खाली थोड़ा सा भरा हुआ ऐसा दिखेगा अच्छा सा। एक क्रीम थोड़ा टूट रहा है क्योंकि टाइट है। चलिए सामने का डिज़ाइन ये हो गया, आप लोग देख सकते हो कैसा है बताइएगा। अब इसका मैं बॉर्डर लगा दे रहा हूँ ऊपर नीचे, ऊपर भी मार दे रहा हूँ नीचे भी। और ये नॉर्मल बॉर्डर नोजल है जो कि रेगुलर यूज वाला रहता है, स्टार नोजल कुछ अलग नहीं है। तो इसका ये मैं दरवाज़ा भी बना दिया रोड जैसे बाहर घर से निकल के इधर उतरने का। और इसमें हमें फ्लावर भी बनाना पड़ेगा तो वो भी बना करके दिखाएंगे आप लोग को कलर कलर का। आइए ब्राउन कलर डाला हुआ है ब्लैक का ब्राउन करके, ऐसे ही बस बटर पेपर में डाल के खींच दे रहा हूँ। अब इसमें फिर वही पतला बटर पेपर में भर के सेम क्रीम ब्राउन कलर का चॉकलेट कलर में, एक आता है चॉकलेट कलर वो डाल के ये क्रीम बनाया हूँ पतला बटर पेपर में डाल के। और बस सिर्फ दबा दीजिए नूडल्स डिजाइन जैसा, जैसे घास कैसा रहता है वैसे ही ग्रास जैसा, तो वो देखने में और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जितना जितना हो सकता है पतला करके बटर पेपर को यूज कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे भी मैं सेम उसी का मैं बॉर्डर भी लगा दे रहा हूँ ब्राउन कलर वाला ही। तो ये हो गया। अब इसमें ग्रीन कलर जो कि ग्रास नोजल आता है जो बारीक बारीक वाला डॉट डॉट जो छेद रहता है वो, ताकि आजू बाजू में पूरा गार्डन लगे हरा भरा सा पूरा घर। अब जो बगल में साइड में जो जगह बच रहा है थोड़ा सा उसमें हमें फ्लावर रखना होगा, फिर ये मेरा केक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, चलिए फ्लावर भी बना लेता हूँ। ये R11 नोजल है जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। और ये डस्ट कलर पिंक कलर का। और फ्लावर बनाना वैसे भी तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नॉर्मल वाला है। आप देख सकते हो इसको हाइट के पिलर बनाइए और एक साइड से हाफ लेते जाइए, ये देख सकते हैं जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से हाफ फिर ला करके आगे बढ़ते चले जाइए, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल से बन गया तुरंत। तो चलिए ये भी हो गया कंप्लीट, एक ठोर में बना लिया था, तीन फ्लावर देना था। तो ये वाला केक मेरा 1 kg का पूरा हरा भरा और पूरा भर गया है। तो कैसा है बताइएगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर हमें। और अगर और भी कुछ कोई डिज़ाइन देखना चाहते हो ऐसा अलग सा तो वो भी कमेंट कर दीजिए, अगर होगा तो मैं बना दूंगा। ये साइड से फिर ग्रीन पत्ता फ्लावर्स का। तो चलिए हो गया ये वाला कंप्लीट, बताइएगा ज़रूर आप लोग कैसा लगा ये वाला केक। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।